अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ एक स्वीट डिश लेके, जिसमें मैं बनाऊँगी नवाबी लखनवी सेवई, जो आप अगर मेरे मेथड से बनाइएगा तो ये बहुत ही जायकेदार होने वाली है। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ मैंने 1 किलो सेवई लिया है भुनी हुई, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू किशमिश बादाम, ये इलायची पाउडर है, ये कोकोनट पाउडर 250 ग्राम, और ये खोआ है 250 ग्राम, और ये घी है 300 ग्राम, और उसके बाद ये दूध है, 1 किलो कंडेंस मिल्क है, उसके बाद फिर ये 2 किलो शक्कर मैंने लिया है, और शक्कर की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। और ये देखिए मैंने पतीली चढ़ा दिया है, और पतीली मेरी सूख चुकी है। उसके बाद मैं ये सारे घी डाल दूँगी, 300 ग्राम घी है जो मैं सब इसमें डालूँगी। उसके बाद मैं सारे सेवई इसमें डालकर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मैं सारे सेवई इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए फ्राई होगा। अगर सेवई रोस्टेड नहीं है तो आप उसे ब्राउन होने तक भूनेंगे, और अगर रोस्टेड है तो इसे 5 to 7 मिनट्स तक आप भून लेंगे। ये देखिए मैंने सारी सेवई डाल दिया है और ये भून रही है। बहुत हल्के हल्के हाथ से चलाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। और ये देखिए अब सेवई भुनी रही है, तो मैं इधर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेती हूँ। ये मैंने घी डाल दिया और सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल के अब इसको फ्राई कर लूँगी। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये ड्राई फ्रूट्स जले ना। ये देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, अब इसमें अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे तरह फ्राई। अब ये मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में, और फिर मैं इसमें घी डालूँगी, 1 टेबल स्पून घी डालूँगी मैं। अब मैं इसमें खोआ डाल दूँ, खोआ को आप क्रश करके डाल लीजिएगा, मैंने ऐसे ही डाल लिया था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, आप क्रश करके इसको डाल दीजिएगा ताकि ये बहुत ईजिली हो जाएगा। देखिए और ये देखिए मैंने फिर बाद में क्रश किया और क्रश करके डाला, ये बहुत इजी फ्राई हो गए हैं, हो चुके हैं। अच्छी तरह से आपको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे ताकि ये जले ना। और ये देखिए मेरे से वहीं भुन रही है, आप इसको इसी तरह से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए मेरे से वहीं भुन रही है, और खोआ भी अब लगभग तैयार ही पे है, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और बहुत फ्राई हो गया अच्छी तरीके से। ये मेरी सेवई भुन रही है, अब मैं इसे निकाल लूँगी, सारे सेवई को मैं इसमें निकाल लूँगी, और उसके बाद मैं पहले पतीली में इलायची पाउडर डालूँगी, उसके बाद मैं ये दूध डाल दूँगी, 1 किलो दूध, ये कंडेंस मिल्क है, आप 1 किलो लीजिएगा, ये मैं सब दूध इसी में डाल दूँगी। हमको इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ दूध डालना है। दूध डालने के बाद अब आप इसमें कोकोनट पाउडर डालिएगा, ये देखिए मैंने 250 ग्राम कोकोनट पाउडर डाल दिया है। उसके बाद फिर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालिएगा जो मैंने प्रिपेयर किया था, ये ड्राई फ्रूट्स मैंने सब डाल दिए, और ये खोआ है 250 ग्राम, ये खोआ आप इसमें डाल दीजिएगा, और इसको अच्छे से मिक्स करिएगा। और उसके बाद फिर ये मैंने जो 2 किलो शक्कर ली थी सब इसमें मैं डाल दूँगी, सब चीज़ डाल के आपको चलाना है। देखिए मैं अच्छे से चला रही, उसके बाद फिर मैं ये केवड़ा, एक ढक्कन केवड़ा लेना है छोटा ढक्कन, और ये 2 टेबल स्पून रंग लेना है फूड कलर, आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा पूरा। ये देखिए मिक्स हो गया, ये फूड कलर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और आप अच्छे से डालिएगा तो कलर भी अच्छा आएगा इसमें सेवई में। और अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से इसको आपको चलाते रहना है। उसके बाद आपको इसको हाफ़ एन आवर के लिए ऐसे ही चलाते रहना है, आपको इसको मीडियम फ्लेम पे रख के चलाते रहना है, और खड़े को ही चलाना है क्योंकि ये उबल जाता है। ये देखिए मैं चला रही हूँ, कम से कम आपको इसको आधे घंटे तक ऐसे ही पकाते रहना है, तब जब तक शीरा गाढ़ा ना हो। ये देखिए मेरा शीरा गाढ़ा हो चुका है, अब मैं सारी सेवई इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मैं सब सेवई इसमें डाल रही हूँ ऐसे ही सब, देखिए मैंने सब सेवैयाँ इसमें डाल दी, और ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, ये अच्छे से मिक्स करना है बहुत अच्छे तरीके से, पूरे शीरे को आपस में मिक्स करना है सेवई में। ये देखिए मैंने सब इसको मिक्स कर दिया है, और उसके बाद अगर आपको लगे कि इसमें मिक्स करने के बाद अगर आप छूइए इसको लगे कि ये थोड़ा कड़ा है, तो आप इसमें 1 कप दूध भी डाल सकती हैं। दूध डालने के बाद उसके बाद आप थोड़ा सा उसको लो फ्लेम पे चलाइए, और उसके बाद फिर देखिए ये सही हो जाएगा। और ये देखिए मेरी सेवई अब रेडी हो चुकी है, और बहुत अच्छा कलर आ गया खुशबू, ये देखिए। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको गार्निश कर रही हूँ, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप इसमें डाल के सर्व कर सकती हैं। ये देखिए मेरी सेवई तैयार हो चुकी है, ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी सेवई रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय, ट्राई करिएगा ज़रूर।